दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप एक शॉर्ट चैनल पर काम करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाए, आप भी एक शॉर्ट्स क्रिएटर बन जाएं, आप भी यूट्यूब पर आकर पैसे कमा लें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को छोड़कर अभी चले जाओ, आधी अधूरी वीडियो मत देखना। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, कान में लीड हो तो लीड लगा लो, लेकिन हाँ, अकेले में शांत बैठकर वीडियो को देखो। अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी आप लाइक करके छोड़ दो और लाइक वाले सेक्शन में आपकी वीडियो चली जाएगी, उस वीडियो को सेव करके रख लो, लेकिन इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को जो देखेगा वो शांतिपूर्वक और मन लगा कर देखना। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग वीडियो को देखें जो आधी अधूरी वीडियो को छोड़कर भाग जाएं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो समझाने वाला हूं जो शायद आपको यूट्यूब पर कोई नहीं समझा पाएगा और ना ही किसी ने आज तक आपको ये समझाया होगा। क्योंकि जब भी मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों का एक ही कमेंट आता है कि भाई हमारे चैनल पर मात्र 10-15 व्यूज आते हैं, या तो हमारी वीडियो पर 1000 व्यूज आकर हमारी शॉर्ट वीडियो रुक जाती है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी शॉर्ट वीडियो आगे बूस्ट हो और हम भी यूट्यूब पर अच्छे खासे व्यूज लाकर अपने शॉर्ट चैनल को ग्रो करें। अगर आप चाहते हो यह सब करना तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। सो दोस्तों आपकी आंखों के सामने देखो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। देखो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वीडियो देख के कमेंट करते हैं, भाई वीडियो वायरल नहीं हो रही, वीडियो वायरल नहीं हो रही। भाई तुम लोग कभी वीडियो वायरल कर भी नहीं पाओगे। पता क्यों नहीं कर पाओगे? कि भाई तुम लोगों को काम करना नहीं है चैनल पर। और जो फालतू के कमेंट करता है, मैंने देखा है अक्सर वही अपने चैनल पर काम नहीं करते हैं, फालतू का कमेंट आकर बहुत मज़ा आता है करने में। भाई तुम क्या उखाड़ लोगे, कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में या नहीं कर पाओगे? भाई मुझे नहीं पता कि तुम कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो तो तुम खुद अपने आप से समझो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो या क्या कर रहे हो, वो आपको खुद पता होगा। अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो के अगर आपको कुछ सीखने को ना मिले तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। चलिए तो यहां पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। पहले यहां पर देख लो, प्रूफ देख लो, 12:52 हो रहा है। मैं कोई भी इस वीडियो को देखो कट पेस्ट नहीं करूंगा। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई आपने कट पेस्ट किया, कट पेस्ट नहीं है, देखो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक है? अब दोस्तों यहां पर बिल्कुल ध्यान समझना, मैं आपकी आंखों के सामने कुछ समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझो। जैसे दोस्तों मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूं, ठीक है? यहां पर देखो YT स्टूडियो ओपन हो रहा है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है? देखो यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप गौर से देखो, पहले यहाँ पर देखो 3 दिन हो चुके हैं लेकिन इस वीडियो पर मात्र 105 व्यूज़ है। कितने व्यूज़ है? 105 व्यूज़। क्यों है? क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। और आप अगर अच्छी वीडियो बनाते हो फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, फिर भी इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्यों नहीं आता है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो को ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो कि ये वीडियो आपने अपलोड की है। क्या अपलोड की है? आपने अपलोड की अपने चैनल पर। अब आप इसको चेक कैसे करोगे कि आपकी वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आया, वो चेक कैसे करोगे, ध्यान से समझना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है गो टू वीडियो एनालिसिस का, ठीक है? इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है रीच का, बिल्कुल ध्यान समझो रीच का। तो आपको रीच वाले ऑप्शन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक कर लोगे तो यहां पर देखो आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में कितने लोगों के पास गई, कितने लोगों के पास गई, 157 लोगों के पास। कितने लोगों के पास गई? 157 लोगों के पास। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, वीडियो तो यूट्यूब ने शॉर्ट फीड में भेजी लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है, क्यों आपकी वीडियो आगे शॉर्ट फीड में क्यों नहीं जा रही, वो समझो। देखिए जैसे YouTube ने, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप एक नया चैनल क्रिएट करते हो उस पर अच्छे से काम करते हो तो YouTube क्या करता है, स्टार्टिंग में क्या करता है, स्टार्टिंग में जब भी आप अपलोड अपनी वीडियो को करोगे तो स्टार्टिंग में 100 लोगों के पास आपकी शॉर्ट वीडियो को भेजेगा। फिर वो चेक करेगा कि हाँ हमें आपकी वीडियो को आगे भेजना है या नहीं भेजना है, उसके बाद वो चेक करता है, ठीक है? अब जैसे उसने मान लो 157 लोगों के पास मेरी वीडियो को भेजा लेकिन वीडियो पर व्यूज कितना है, 105। लेकिन 105 कहाँ से आया वो भी तो देखो। देखो मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो वीडियो पर 48 घंटे में मात्र कितना व्यूज आया, 48 व्यूज, ठीक है? लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो शॉर्ट फीड से कितना व्यूज आया, मात्र 3। वीडियो कितने लोगों के पास भेजी उसने, 157 लोगों के पास, लेकिन क्लिक्स कितने आए, मात्र 3। क्यों आए? क्योंकि दोस्तों लोग आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, इस वजह से आपकी वीडियो पर क्लिक्स नहीं आए। अब यूट्यूब ने जब आपकी वीडियो को 100 लोगों के पास भेजा है,
अगर लोग क्लिक आपकी वीडियो पर नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब को ये लगेगा कि आपकी वीडियो पर सही तरीके से क्लिक्स नहीं आ रहे, या तो लोगों को आपकी वीडियो पसंद नहीं है। अब दोस्तों YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियो को आगे नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा तो आपकी वीडियो पर फिर व्यूज नहीं आएगा। यही गलती आप लोगों के साथ हो जाती है। ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती है आपकी ऑडियंस की। आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं करती है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर क्लिक्स नहीं आते हैं और आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। समझ गए? अब दोस्तों इसके लिए हम क्या करें कि लोग हमारी वीडियो पर क्लिक करें, समझो। देखिए, अगर आप लगातार अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे आप लगातार अपनी वीडियो चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, और आपकी वीडियो पर मात्र 10-15 1K 2K व्यूज इस तरीके से आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाना है, 2-4 दिन बाद आपको वीडियो अपलोड करना है, 2-4 दिन रुको, फिर आप वीडियो को अपलोड करो, ठीक है, आपको देखना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये समझो, दूसरा तरीका में ये समझो कि आखिर लोग आपकी वीडियो पर क्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, समझो। देखिए, पहला तरीका, पहला तो ये रीजन है कि आपकी वीडियो के या तो थंबनेल अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो अपनी वीडियो का अट्रैक्टिव थंबनेल लगाने की कोशिश करो। थंबनेल लगाना नहीं आता है तो हम आई बटन में वीडियो दे देंगे कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल लगाया जाता है, ठीक है, वीडियो में, तो उसको देखकर आप सीख लेना, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपने अच्छा थंबनेल लगा लिया फिर भी आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं आ रहा है, तो अब क्या रीजन है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, देखो काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ अपने चैनल पर, वो देखो फालतू की वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे काफी सारे मैंने गेमिंग चैनल देखे, वो फालतू का गेमिंग वीडियो अपलोड करते हैं। देखो जैसे वो अपने चैनल पर गेम खेलते हैं, सीधा उन्होंने रिकॉर्ड किया, सीधा उन्होंने अपलोड कर दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाकर अपलोड कर दिया। भाई ऐसे चैनल पर कभी आगे व्यूज नहीं आते, स्टार्टिंग में तो व्यूज आ जाते हैं लेकिन फिर आगे चल के व्यूज नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दोस्तों वो लोग बोर हो जाते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि इस चैनल की हम वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि इस चैनल पर खराब फालतू की वीडियो डालता है, हम इसकी नहीं देखेंगे, इसलिए आपकी वीडियो पर क्लिक्स नहीं आते। ये 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर क्लिक्स नहीं आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपकी वीडियो 1,000-2,000 व्यूज पर रुक जाती है तो इसका रीजन क्या है, तो ये भी समझो, ठीक है। पहला ये तो समझ लिया क्यों व्यूज नहीं आते, अब ये तो समझ लो कि आखिर आपकी वीडियो 1,000-2,000 व्यूज पर क्यों रुक जाती है, ठीक है। चलिए तो अब बताते हैं आपको, दूसरी बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग गई, लगने के बाद यहां पर मैं बैक करता हूं, तो बैक यहां पर मैं देखो कर लेता हूं। करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी, दोस्तों मैंने ये दोनों वीडियो देखो अपने चैनल पर अपलोड किए एक ही साथ, एक वीडियो पर 7,000 व्यूज है, एक वीडियो पर मात्र 100 व्यूज है। अगर आपको नहीं पता कि ये वीडियो हमने क्यों अपलोड की, क्यों इस पर जो है कम व्यूज है, इस पर क्यों ज्यादा व्यूज है, अगर आपको नहीं पता तो कल वाली वीडियो को जाकर आप देखना, आप खुद समझ जाओगे कि आप लोग कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, ठीक है। अब ये समझेंगे कि आपकी वीडियो पर 1,000-2,000 व्यूज क्यों आता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे दोस्तों आप यहां पर देख लो मेरी वीडियो पर मात्र कितने व्यूज है, 7,500 व्यूज है। आपकी वीडियो पर 1K व्यूज हो सकते हैं, 2K व्यूज हो सकते हैं, 3K व्यूज हो सकते हैं, 400-500 इस तरीके से व्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब इससे आगे आपकी वीडियो नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही वो समझो। सबसे पहले हम इसके गो टू एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं रीच वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं रीच वाले ऑप्शन पर गया, यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा शॉर्ट इन फीड पर। पहले यहां पर देखो आज कितनी तारीख है, 13 तारीख है। यहां पर मैं करता हूं 12 तारीख पर क्लिक, ठीक है। 12 तारीख पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहां पर देखो 12,390 मान लो, 391 तो 90 मान लो, 12,390 लोगों के पास आपका क्या गया था, शॉर्ट फीड में गया था, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि आखिर एक दिन में आपकी वीडियो पर कितना इंप्रेशन YouTube ने भेजा, ठीक है। चलिए तो 12,390, अब हम इसको क्लिक करेंगे 13 तारीख में, तो यहाँ पर देखो 12,407, कितने 407 कितने लोगों के पास आपकी वीडियो को भेजा। सो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 13 तारीख पर, ठीक है। पहले 12 तारीख का व्यूज देख लो कितना है, 12,391, ठीक है, कितना है 391, 90 मान लो 12,390, लेकिन हम यहाँ पर 13 तारीख पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वीडियो पर कितने व्यूज कितने भाई 12,404, उस पर कितना था 91 मान लो, 90 मान लो, ठीक है, 10 उतना हुआ, 10 व्यूज वो हो गए जुड़ गए और ये हो गया 4 व्यूज, यानी कि 14 लोगों के पास आपकी वीडियो को शॉर्ट फीड में भेजा, ठीक है, 14 लोगों के पास भेजा। YouTube कितने लोगों के पास भी भेज सकता है, 2, 4, 5, 10 जितने लोगों के पास भेज तो रहा कम से कम आपकी वीडियो को। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं जैसे ही बैक करता हूं, बैक करने के बाद दोस्तों मैं यहां पर आपको बताता हूं 14 लोगों के पास उसने वीडियो को भेजा। अभी 13 तारीख का पूरा दिन नहीं हुआ है, इस वजह से 14 लोगों के पास दिखा रहा है। जब पूरा दिन हो जाएगा तो लगभग 100 लोगों के पास हमारी शॉर्ट वीडियो को भेज देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर देख लो, लेकिन वीडियो पर तो क्लिक नहीं आ रहा है ना, शॉर्ट फीड से नहीं आ रहा है ना, तो YouTube क्या समझ रहा है कि इस वीडियो को हमें आगे शॉर्ट फीड में अब नहीं भेज रहा, इसी वजह से इस वीडियो पर आगे व्यूज नहीं आ रहा है।
YouTube पहले आपकी वीडियो को 100 लोगों के पास भेजेगा, क्लिक नहीं आएंगे। फिर आपकी वीडियो को 50 लोगों के पास भेजेगा, क्लिक नहीं आएंगे। फिर आपकी वीडियो को 10 लोगों के पास भेजेगा, क्लिक नहीं आएंगे। फिर आपकी वीडियो को वो शॉर्ट फीड में भेजना बंद कर देगा। अगर आपकी वीडियो पर क्लिक्स आते रहेंगे तो आपकी वीडियो को वो आगे भेजता रहेगा, जिससे आपकी वीडियो पर व्यूज आता रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का, अपने चैनल का प्रूफ आपको दिखा देता हूं। देखो इस वीडियो पर लास्ट 48 घंटे में कितना व्यूज आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट फिल्म में जब भेज रहा है तो लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, जिससे इस वीडियो को यूट्यूब क्या कर रहा है, आगे भेज रहा है। और इस वीडियो पर व्यूज देख सकते हो कितना ज्यादा हो चुका है, हो गया कि नहीं हो गया। तो बस यही रीजन होता है कि आपकी वीडियो पर YouTube के शॉर्ट फीड से व्यूज क्यों नहीं आता, क्यों आपकी वीडियो 10-15 व्यूज पर रुक जाती है, क्यों आपकी वीडियो पर बनके 2 के व्यूज आते हैं। ये सारे रीजन आपको शायद पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। अब आपको करना क्या है, कैसे इसका सॉल्यूशन है, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं। जैसे आप लॉन्ग वीडियो पर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने माना, ठीक है, जैसे मैं लॉन्ग वीडियो पर काम कर रहा हूं, ठीक है, अब मैंने माना कि मेरी किसी वीडियो पर 2000 व्यूज आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिमोटिवेट तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट, भाई हमारी वीडियो पर तो आज 1000 व्यूज आए, भाई हमारी वीडियो पर पहले 2-3 हज़ार व्यूज आते थे, लेकिन अब हमारी वीडियो पर 400-500 व्यूज आ गए, अब हम क्या करें। भाई डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, आपको लगातार काम करते रहना है। कुछ ऐसे टॉपिक फाइंड करो जिससे आपकी वीडियो पर शॉर्ट फीड से आपकी वीडियो पर क्लिक्स आए और आपका चैनल आगे बढ़े। टॉपिक को फाइंड करना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं अपने चैनल पर जैसे लॉन्ग वीडियो पर काम करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ऐसे टॉपिक को फाइंड करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आखिर मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मान लो मेरे इस टॉपिक पर कम व्यूज आ गए, तो मैं ये फाइंड करता हूं कि अब मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है जिससे आगे चलकर मेरी आगे वाली वीडियो पर अच्छा व्यूज आ सके, ठीक है। ऐसे मैं शॉर्ट वीडियो पर भी काम करता हूं, मैं ये देखता हूं कि आखिर मेरी इस शॉर्ट वीडियो पर तो कम व्यूज आए, तो अगला मुझे किस टॉपिक पर शॉर्ट्स बनानी चाहिए जिससे मेरा अच्छा व्यूज आए, तो उसी टॉपिक पर शॉर्ट्स बनाता हूं। और मैं कुछ ऐसा थंबनेल बनाने की कोशिश करता हूं ताकि उस पर अच्छा क्लिक आए। तो आप लोग भी जो है डिमोटिवेट मत हो, आप अलग अलग ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करो या कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाओ, ऐसे टॉपिक पर शॉर्ट्स वीडियो बनाओ जिससे आपकी शॉर्ट्स पर क्लिक आए। और आपको अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना है, ये मत सोचो कि आज हम अपनी ऑडियंस को बोर कर देंगे तो कल हमारी वो वीडियो फिर से देख लेंगे, बस यही तो गलती आप लोग कर दे, तो अपनी ऑडियंस को बोर करते हो जिससे वो आगे आपकी वीडियो को नहीं देखते हैं, फिर आपकी वीडियो पर व्यूज आना बंद हो जाता है। तो कभी भी अपनी ऑडियंस को बोर मत करो और अपने चैनल पर ठीक तरीके से काम करो। और हाँ, वीडियो मेरी लंबी होती है लेकिन आपको सिखाने की बहुत कुछ कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप जो है YouTube शॉर्ट्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो हमने प्लेलिस्ट बनाकर रख दिए, जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करना, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो YouTube शॉर्ट्स के बारे में।